Facebook. गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल। आज हमारा पहला दिन है यहाँ का, साइट सीन के लिए निकलने वाले हैं। अभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है अच्छे से। ये है वो होटल जहाँ पे हम ठहरे हैं। ये थमेल के पास छत्रपति चौक बोल के एक जगह है, वहाँ पे है। आपको सस्ते से महंगा होटल थमेल के आसपास ही मिल जाएगा। और एक बात बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया का सिम यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो आप भी हमारी तरह सबसे पहले यहाँ पे एक अपना सिम ले लीजिए। अभी हम रत्नागिरी तक जा रहे हैं, रत्नागिरी से हमें बस मिलेगी जो पशुपतिनाथ तक जाएंगे। सबसे पहले अभी हम पशुपतिनाथ टेम्पल देखने जाएंगे। पशुपतिनाथ मंदिर इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये रहे हम साथ में। ये आंटी हमें मंदिर तक जाने का रोड दिखा रही है। द डिस्टेंस बिटवीन थमेल टू पशुपतिनाथ टेम्पल इज अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर। बस से उतरने के बाद भी आपको थोड़ा सा पैदल अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। Here you can see a good combination of Indian and Buddhist architecture. टेम्पल उसके अंदर एंटर कर चुकी हूँ। तो काठमांडू का एक फेमस मंदिर है, आपको दिखाती हूँ मैं। काफी बड़ा मंदिर है ये पशुपतिनाथ मंदिर। पशु मतलब जीव या प्राणी, और पति मतलब स्वामी, और नाथ का मतलब है मालिक या भगवान। इसका मतलब कि संसार के समस्त जीव का स्वामी या भगवान है पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थ में पशुपतिनाथ का मतलब है जीवन का मालिक। ये मंदिर बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में है। इससे जुड़ी एक कहानी ये है कि ये मंदिर केदारनाथ मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है पांडव के स्वर्ग यात्रा के समय शिवजी ने भैंसे के रूप में दर्शन दिया था, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूरी तरह से समाने से पहले ही भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। जिस स्थान पर भीम ने इसकी पूंछ पकड़ी वो केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, और जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहते हैं। 2015 के नेपाल अर्थक्वेक में इस मंदिर का बाहरी हिस्से का बिल्डिंग्स पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन अंदर का मेन मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। इसके अंदर भगवान शिव की 5 मुख वाली मूर्ति है। ये कुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, बैंक है। इतना बड़ा मंदिर है कि इसके अंदर बैंक भी है, नेपाल का SBI बैंक। अभी हम बस से जा रहे हैं दूसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बुद्धनाथ स्तूपा की तरफ। आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं, पशुपतिनाथ टेम्पल से कुछ 3 किलोमीटर के आसपास ही होगा। हम बस से उतर चुके हैं जस्ट अभी। हम मार्केट है यहाँ, बहुत अच्छा सा एक मार्केट है, उसके अंदर से होते हुए हमें बुद्ध स्तूप तक जा सकते हैं।
अगर आप काठमांडू आते हैं तो बौद्धनाथ स्तूपा आपके लिस्ट में जरूर होना चाहिए। बौद्धनाथ स्तूपा के सराउंडिंग में आपको बहुत सारे कैफेज और शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स मिल जाएंगे। ये बौद्धनाथ स्तूपा भी 2015 के अर्थक्वेक में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। बौद्धनाथ स्तूपा के साइड में ही ये एक मॉनेस्ट्री है जिसके अंदर अभी हम जा रहे हैं। बौद्धिज्म कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ के वॉल्स में जो आर्ट है वो सच में देखने लायक है, बहुत ही खूबसूरत है। और इस मॉनेस्ट्री से स्तूपा का व्यू बहुत सुंदर आता है। इसको थंका पेंटिंग बोलते हैं, थंका आर्ट, जो तिब्बतन बुद्धिस्ट पेंटिंग होता है, कॉटन या सिल्क में किया जाता है इसे। अब बुद्ध स्तूपा से निकल के
हम फिर वापस थमेल तक जाने वाले हैं जहाँ हम रुके हुए हैं, तो वहाँ अभी जाके मार्केट घूमेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा जगह पता होना चाहिए। मेन एरियाज में थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन आपको एक से बढ़कर एक कपड़े और बाकी चीज़ें मिल जाएगी। मेनली यहाँ पे जो उलन कपड़े हैं वो खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप काठमांडू आते हैं तो थमेल की नाइट लाइफ को एंजॉय करना मत भूलिएगा। रात को यहाँ पे पार्टी करने के लिए और डिस्को वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे पता नहीं गोल्ड का प्राइस कम है या क्या, यहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरी के शॉप्स है। ये यहाँ पे कुछ नेपाली आउटफिट्स है। और इस शॉप में मुझे बहुत सारे एंटीक सामान देखने को मिले। तो यही था काठमांडू का टूर। कल हम यहाँ से जा रहे हैं पोखरा की तरफ। थैंक यू सो मच इतना टाइम देके मेरे वीडियो को देखने के लिए।